याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। लेकिन अगर ये फूल थोड़े महंगे होते ना तो मुरझाते नहीं। हमेशा फूल देने वाले का खलूस देखा जाता, फूलों की कीमत नहीं। मीनू तुम्हें ये याद है अहमद लेके आया था लाहौर से? हाँ याद है। कह रहा था कि तुम्हारी लिए भी बिल्कुल ऐसा ताजमहल बनाऊंगा। बातें सुनो जरा उसकी। दुल्हन आप है? हाँ जी दुल्हन आप है। तुम्हें क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की? बदतमीजी क्या हो गया, अच्छी खासी समझदार लड़की है। मुझे क्यों लगता है कि वो बहुत ओवर एक्टिंग करती है। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे बहुत खुशी तुम्हारे आने की, बड़ा अच्छा किया आ गए। ये तो आ नहीं रही थी, जबरदस्ती लेके आई हूँ, कहती मेरे एग्जाम से मैं नहीं जा रही। अरे क्यों भाई? नहीं बाकी मैं फंक्शन के फौरन बाहर चली जाऊंगी, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं। अच्छी बात है, सुनो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हमने तो सोचा था कराची लैंड होगी फ्लाइट, पर ये तो परस्तान में लैंड होगी। परी जो आ गई सामने। रहने दो तुम, शादी खत्म होने के बाद आते ना, आज भी आने की क्या जरूरत है? बस बस तुम्हारी आवाज सुन के पता चल गया हम कराची में हैं और मेरा ट्रांस खत्म हो। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ना मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। मीनू की मंगनी को 4 दिन हुए, दिन में 4 बार कॉल करते हैं असंधाई में, और तुम हो एक। अरे सुनो तो, अरे तो ये बात, अगर मुझे पता होता इतनी बेताबी से मेरा इंतजार कर रही हो तो पहली फुर्सत में आ जाऊँ। रहने दो तुम, आ गए पहली फुर्सत में, एक फोन करना तो नसीब नहीं होता मुझे। बहुत बिजी थी, तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम, मेरे जीने की वजह तुम। वैसे मजा बहुत आ रहा है मुझे ये देख तुम्हारी ये बेताबी मेरे लिए। थैंक्स टू मिन्नो के मंगेतर, मुझे उनका थैंक्स करना है, उनकी वजह से ये है। उनका नाम मत लो मेरे सामने। क्यों ना लूं? भाई उनकी वजह से तो मुझे ये देखने को मिल रहा है, वरना तुम्हारे आगे पीछे होता रहता था और तुम मुझे लिफ्ट नहीं करवाती थी। वो तो मेरे गार्डियन एंजल। अहमद तुम आ गए हो ना मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पर, इतना तंग मत किया करो। तुम तंग होती रहो, मुझे मेरा एंजल ढूंढ रहा है। अश्विन भाई कहाँ है आप? अहमद ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मेरी जान, तुम बताओ आपको कैसी लगी? बहुत प्यारी। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ really my favorite as well, मेरी चॉइस कितनी मिलती है। अच्छा बातें करती रहोगी, उठाओगी भी मेहमानों को? आओ नहीं, नहीं नहीं कर रही। अरे क्या मतलब, रस्में तो पूरी होंगी।
अरे भाई इकलौती साली हो, यही तो मौका है जीजू की जेब खाली करवाने का। पकड़ो पकड़ो उंगली पकड़ो। अच्छा फिर ठीक है। नहीं नहीं ये फाउल है, आप ऐसे हाथ नहीं छुड़ा सकते। भाई हमारे यहाँ तो रस्म है ज्वेलरी देने का, तो हम एक खास रिंग लाए हैं निशा के लिए। अब आप खुद पहना देना। क्यों तुम पहनाओ ना, तो साली तुम्हारी। यहाँ तो चोट लगी हुई ना, आप एक काम करें यहाँ पहना दे। वैसे भी अंगूठियों उतारने से कौन सी मंगनियाँ टूटती हैं। क्या हो गया है? मैं एक रिंग ही तो पहनी है मैंने, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुमने हरकत ही ऐसी की है कि ओवर रिएक्ट कर रही है। हरकत? कौन सी हरकत कर दी मैंने? और जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोलते जाओगे? हाँ बोलूंगा। हर्ट किया है तुमने मुझे निशा। हर्ट? मैंने तुम्हें कोई हर्ट नहीं किया है। मैं किया है? यही हैसियत है तुम्हारे नजदीक इस रिश्ते की, इतनी आसानी से वो अंगूठी उतार कर ये अंगूठी पहन ली तुमने। तुम असल भाई से जेलस हो रहे हो? एक रिंग ही तो दी है उन्होंने मुझे गिफ्ट, कोई खैरात तो नहीं दी। अंदाज तो ऐसा ही था जैसे खैरात दे रहे हो। प्लीज अहमर बस कर जाओ। क्या जरूरत है तुम्हें इस अंगूठी की? देनी होती तो देते, वरना ना सही। क्यों ना देते? निशा हद होती ना दीदी बन की, ऐसी 10 अंगूठियां तुम्हें लेके दे सकता हूँ। 10 अंगूठियां? एक बनवा दो वो ही बहुत है। तुमने मुझे इतना कंगला समझ रखा है। ओफो, बात कंगलेपन की नहीं है। ये रिंग देखो कितनी कीमती है, कम अज कम तुम्हारे इस गोल्ड के छल्ले से। निशा तुम क्या, कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। स्टाइल देखो इसका कितनी प्यारी है, डायमंड की है। ठीक, डायमंड की रिंग तो तुम पहनो, ये डायमंड की रिंग और मुझे मेरा छल्ला वापस कर। क्या? हाँ, अभी डायमंड की रिंग ही पहनो। अहमद आज तो बहुत थक गए। वाह कितना खूबसूरत जोड़ा है मीनू, कलर कितना प्यारा है। ट्राई किया तुमने? नहीं अभी तक नहीं किया। क्यों, मैं ट्राई करूं क्या? हमारा साइज तो सेम है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है मैं आती हूँ। ट्राई रुको मैं आ रही हूँ। बहुत बदनीयत लड़की है ये। खूबसूरत लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? पर अफसोस निशा, तुम इस पे नियत नहीं खराब कर सकती। नियत तो मेरी खराब हो चुकी है। अपनी शादी पे बिल्कुल ऐसे जोड़ा बनाऊंगी, एग्जैक्ट सेम। बिल्कुल ऐसा ही? हाँ सेम कलर। क्यों? अच्छा काम करो ना, तुम मेरी बच्चे लो ये, मैं ना अहमद को भेजती हूँ। अहमद को तो दिखाऊं कि मैं कैसी लग रही हूँ। एक मिनट। इधर तो देखो मेरी तरफ। अब ठीक है? ऐसे दिखाओ जरा, मैं ना अहमद को भेजूं। हाँ
मीरा बाजी आ जाएंगी ना, अभी इतनी बातें सुनाएंगी कि मीनू का शादी का जोड़ा पहन लिया, अब शगुन हो गया, पत्नी क्या कुछ हो गया। पागल लड़की है ये। आप एक काम करें, यहाँ पे अंगूठियां उतारने से कौन सी उंगलियां दुखती हैं? ऐसा हाथ दुखती ना दीदी, ऐसी 10 अंगूठियां तो मैं लेके दे सकता हूँ। 10 अंगूठियां एक बनवा दो, वो ही बहुत है। इतनी आसानी से वो अंगूठी उतार कर ये अंगूठी पहन ली तुमने, यही हैसियत है तुम्हारे नजदीक इस रिश्ते की? तुम इस वक्त भाई से जेलस हो रहे हो? एक रिंग ही तो दी है उन्होंने मुझे, क्या मेरी हर बात पे एतराज होता है अम्मी। बहन हूं मैं अमर की, मेरे भी कुछ अरमान है भाई। अरे तो कर लेना अपने सारे अरमान पूरे अमर की शादी पर। अच्छा देख लीजिएगा, उस वक्त भी मेरी बारी नहीं आएगी। सारे लोग किंजा के आगे पीछे घूमते रहते, देखा नहीं था फुप्पो जान का बस चले तो उसे शाही तख्त पे बिठा दो। बेटी की ससुराल है, आओ भगत तो करेंगी ना। अम्मी बेटी के ससुराल वाले तो हम भी हैं, लेकिन ना बेटी को कदर है ना पप्पू को कदर है, और कदर होगी भी क्यों, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, और हमारा भाई जो बुद्धू है हर वक्त निशा के पीछे पीछे भागता रहता है। बेटा वो निशा से बहुत मोहब्बत करता है, और फिर आओ भगत और तकल्लुफ तो गैरों के साथ होता है, अपनों का तो मान होता है। याद रखियेगा इसी मान के चक्कर में ना इतनी सी भी इज्जत नहीं मिलेगी अहमद को, उसी के डंके बजेंगे जो असफंद है। तुम क्यों उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो बेटा, हर एक की अपनी इज्जत और अपना मकाम होता है, और अहमर उनका दामाद नहीं बेटा है उनका। लामी मैंने जिंदगी में आज तक ना आपसे ज्यादा भोली खातून नहीं देखी है, पता है सास बन के भी ना जरा सी चालाकी नहीं है आप में। ठीक है मेरा क्या जाता है, देख लीजिएगा पछताएंगे आप दोनों। अल्लाह ना करे। अच्छा मैं स्त्री को देकर आऊंगा कपड़े। आप तो सब ठीक ठाक? आप लोग वहाँ चले, मैं भी। यशवंत वाली अंगूठी बता दो और अपनी अंगूठी पहन, और आइंदा ये पहनना मत, समझी?
क्या लिखी है मैंने। मेरी किसी भी बात की तुम्हारी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, है ना? क्यों, क्या कर दिया मैंने? अब कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते थे, किसी डिजाइनर से ले लेते, लेकिन तुम्हें तो पैसे बहुत बचाने होते ना। अच्छा खासा लग रहा हूँ, हीरो लग रहा हूँ, और क्या करूँ? हीरो लग ही ना जाओ तुम हीरो। ये काला सूट तो मेरा बाजी की शादी के बाद भी 20 बार पहन चुके हो। एक ही घड़ी है तुम्हारे पास जिसे तुम हर वक्त पहने रहते हो, जूते तुम्हारे घिसे हुए, हाल देखो अपना अहमर। मीनू के ससुराल वालों को देखो, एक से बढ़कर एक डिजाइनर के कपड़े पहने हैं, और एक तुम हो सबसे गए गुस्से लग रहे थे। आजकल तुम्हें मेरी हर चीज पे इतराज नहीं होने लग गया? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है मैं। अब सामान रखवा दो गाड़ी में, देर हो रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन। यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों एक हो चुके हैं, भला इतनी जल्दी कोई ख्वाब पूरा हो जाता है। यूं ही शर्माती रहोगी या कोई बात भी करोगी? आप बोले मैं सुन रही हूं। अरे तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों है? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? मेरे हाथ तो हमेशा ही गर्म रहते हैं। कहते हैं जिनके हाथ गर्म होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं। लेकिन मेरे हाथ तो हमेशा सर्द होते हैं। क्या मैं बेवफा हूं? मेरा ये मतलब नहीं था। ये सब ऐसे ही बातें हैं, मैं इन पर यकीन नहीं करता। समझो कि मैंने हमेशा के लिए खुद को तुमसे बांध दिया है, अब कभी जुदा मत होना।
तुम मुझे वो सब कुछ दे सकते हो जो 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 कुछ मिशा के पास है। मिशा के जैसा घर, उसके जैसी गाड़ी, उसके जैसे नौकर चाकर, उसी के जैसा लाइफ है। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी निशा? तकल्लुफ नहीं है, ये तो रस्म है। मीनू कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। कमरा कहाँ है उसका? हाँ 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 बिल्कुल, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ से जो है वो तुम स्टेयरकेस से राइट की तरफ जाओगी और ऊपर। ठीक है, थैंक यू। साबरा सामान ले जाओ। जी बिल्कुल सर। इतना क्या कह रही हो? मैं पहना देता हूं इसी तरह। मीनू अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मीनू? माँ बाबा है? नहीं तो तुम अकेली आ गई हो। तो क्या पूरी फौज लेके आती है अपने साथ? हम बस जल्दी से तैयार हो जाओ ना, बहुत अच्छा सा नाश्ता लेके साथ चल के करते हैं। चले चल चल चल। वाह मीनू, एक बात बताऊं, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। देखो तो जरा कितना बड़ा है, कितना हसीन, एक एक चीज खूबसूरत है ना, वो देखो। वाह मीनू, ये तो किसी महल की तरह है यार। देखो कितना बड़ा लग रहा है, कोई ग्रैंड पैलेस है है ना। लेकिन लेकिन तुम खुद को देखो, बिल्कुल भी शहजादी नहीं है। मीनू तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, नई नवीले दुल्हनों को ना बहुत तैयार रहना चाहिए, अच्छे कपड़े, प्यारा सा मेकअप। और देखो तुम इतनी बड़े घर में रहती हो यार, कहीं से नहीं लग रहा। मैं पता तुम्हारा निशास्त्री को नहीं पसंद है डार्क कलर्स के कपड़े और मेकअप वगैरह। पता नहीं असन भाई को तुम कैसे पसंद आ रही। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें अपने इस घर का सबसे फेवरेट पार्ट दिखा। चलो चलो। By the way, हम उस जगह पर बैठ के जो है ना चाय पीने वाले। चाय नहीं मीनू, कॉफी। कॉफी नहीं ना, चलो तुम कॉफी पीना में चाय चले। ये देखो ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इस घर का। वाह मीनू, तो वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा है ना, बहुत प्यारा। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा के लाती हूँ, ठीक है? और अस्पी को भी देखिए, उन्हें कोई चीज ना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है उनकी नाराजगी से। इतना सर मत चढ़ाओ उन्हें कि सर से उतारना मुश्किल हो जाए। तुमने मुझे देखा है, मैं तो अहमर को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाती। मैं तुम्हारी तरह हो भी नहीं सकती। बैठो मैं आती हूँ। घर की तो हर चीज को हाथ लगाते हुए बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है हाथ लगाऊंगी और टूट जाएगी। और एक मामी का घर है, इतना पुराना। इतनी बार बोल चुकी हूँ कि थोड़ी तो रेनोवेशन करवा लें, इतना पुराना हो गया है। लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। ये कितना प्यारा है ना मी? अस्सलाम वालेकुम।
काफी देर हो गई है, निशा अभी तक वापस नहीं आया। आ जाएगी, बहन के घर गई है, कुछ वक्त तो लगेगा ना। मैंने कहा भी था कि मुझे साथ लेके चली जाओ, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल उसे अकेले जाने का शौक हुआ है। और मैंने वैसे भी नोट किया है वो अहमद पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। क्या बात है अहमद बेटा, तुम सुबह से बड़े चुप चुप नजर आ रहे हो और खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हो, तो क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं नहीं पप्पो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो, बस वो निशा से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी इसलिए मूड जरा ऑफ है। निशा से ऐसे भी क्या बात हो गई? कुछ नहीं, बस पप्पो मैं चाहता हूँ कि ये निकाह इसी हफ्ते हो, आप प्लीज पप्पा जान से बात करें। मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती है मैं। क्यों निशा? क्योंकि हमें, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा लाइफ में सेटल हो। सेटल? अच्छा खासा सेटल हूँ, अच्छी जॉब है मेरे पास निशा। 2 लाख सैलरी है मैं तुम्हारी, 2 लाख में क्या होता है, महंगाई देखी है तुमने निशा। इससे पहले तो मोहब्बत और ख्वाबों की बातें किया करते थे, ये पैसा कहाँ से आता? मोहब्बत और ख्वाबों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती है मैं। तुमने कभी देखा है कि मोहब्बत और ख्वाबों से किसी ने घर खरीदा हो, गाड़ी खरीदी हो? हाँ, और मेरी मोहब्बत, उसकी कोई अहमियत नहीं? मोहब्बत की अहमियत तो होती है लेकिन कोई कीमत नहीं होती। तुम कहना क्या चाहती हो, खुलकर कहो। देखो हेमर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि फिलहाल तुम अपने यूके जाने पे फोकस करो ताकि मुझे वहाँ बुला के एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सको। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है निशा? तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश हर ख्वाब पूरा कर सकता हूँ? लगता है, क्यों नहीं लगता? मैं इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पे पूरा यकीन, तुम मुझे वो सब कुछ दे सकते हो जो 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 कुछ मिशा के पास है। मिशा के जैसा घर, उसके जैसी गाड़ी, उसके जैसे नौकर चाकर, उसी के जैसा लाइफस्टाइल। तुम समझ रहे हो ना हमें? ये अहमद कुछ ज्यादा खुद मुख्तार नहीं होता जा रहा, खुद ही से कह दिया अगले हफ्ते निकाह कर रहे। अहमद ने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही चाह रही थी कि जाने से पहले अहमद और निशा का निकाह कर दूं। इतनी दूर से कौन आ सकता है रोज रोज? क्या मतलब है अम्मी आपका? मीनू की शादी मैंने अटेंड कर ली अजीम के बगैर, मैं अपने भाई का निकाह नहीं होने दूंगी उनके बगैर। मैं फोन कर दूंगी ना, आना होगा तो आ जाएगा। अकलौते दामाद हैं वो आपके, जरा फिक्र नहीं है आपको। फूफो जान को देखा है कैसे असफन के आगे पीछे होती रहती है वो? अगर एक बात भी अजीम में असफन जैसी होती ना तो मैं भी सदके कुर्बान होती रहती। जो भी है अम्मी, मैंने कह दिया है मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी उनके बगैर। अच्छा देखा जाएगा, अब तुम हर जगह अपना रोना ना लेके बैठ जाया करो। इन दोनों पे तो जैसे जादू कर दिया इस निशा की बच्ची ने, हमें कोई पूछता ही नहीं है, हद हो गई है। देखा जाएगा।
से मत देखा करें मुझे। क्यों ना देखा करूं? बीवी हो तुम मेरे, पूरा हक है मुझे तुम्हें देखने का। मुझे उलझन होती है। छोड़ दो, ये वक्त मेरा और तुम्हारा। ऐशा, अरे तुम्हारे अब्बा नीचे इंतजार कर रहे हैं रसीदों का और तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो। मैंने मीनू को कॉल की थी, उसने जवाब नहीं दिया। अब आप खुद ही ढूंढने, मुझे नहीं पता कहाँ रखी गई है। यही कहीं दराजों में होगी, ठीक से देखो ना, वो अपने साथ थोड़ी लेके गई होगी। प्लीज मामा, आप क्यों मुझे इतने घर के काम बोलती हैं? आपको पता है ना मुझे बिल्कुल घर के काम करना पसंद नहीं है। आज भी सुबह मेरा नाखून टूट गया यार। नाखून की बच्ची, जरा सा काम नहीं होता अब्बा का? क्या बात हो रही है? चले। इतनी जल्दी क्या है? अब आपको डिनर के लिए लेट नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में बहुत जरूरी बात है, उठा लो, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा क्या हो गया निशा, इतनी परेशान क्यों? यार बाबा ने मुझे बोल दिया कि मीनू की शादी के सारी रसीदें ढूंढ के लेके आओ। अब मैं कहां से ढूंढूं, मुझे क्या पता कहां रखी हैं? मीनू ही करती है इस तरह के सारे काम। तो कोई बात नहीं, मिल जाएंगी, मैं हूं ना, मदद करता हूं तुम्हारी। हर जगह देख ली है मैंने, कहीं नहीं मिल रही। मीनू को मुसलसल फोन कर रही हूं लेकिन उठा ही नहीं रही। जाहिर है अब तो शादी हो गई है, बिजी हो गई होगी। अच्छा सबसे पहले ना तुम रिलैक्स करो और एक लंबी सांस लो। अहमद पागल हो गए हो? अभी कोई मूड नहीं मेरा सारी तुम्हारी ड्रामेबाजी बर्दाश्त करने का यार। एक तो तुम्हें मेरी हर बात आजकल ड्रामेबाजी लगती है, ऐसे ही है ना? और वो क्या है? ये तो मैंने ही रखी थी, देखो जहन से ही निकल गया। मीनू की शादी के बाद ना दिमाग खराब हो गया। लाओ दो ना। ऐसी नहीं, सबसे पहले स्माइल करो। अहमद करो ना। अच्छा चलो ठीक है, ये वाली नहीं फिर असली वाली। अब सही है, लाओ दो जल्दी। थैंक यू। तो ठीक है, जैसी निशा की मर्जी। अब साल 6 महीने में अहमद जब चक्कर लगाएगा तो निकाह भी कर देंगे। मैं तो चाहती हूँ कि इसको जाने से पहले खूंटे से बांध दूँ। मैं तो पहले से खूंटे से बांध रहा हूँ, और आप फिक्र ना करें, निशा को मैं मना लूँ, शादी होके रहेगी। कभी नहीं मानेगी, जो एक बार कह देते हैं ना पत्थर पे लकीर होती है। देख लूंगा मैं। अच्छा क्या बातें हो रही हैं? कौन सी ऐसी बात है जो मैं नहीं मानूंगी? अरे भाई तुम्हारे और अहमर के निकाह की बात हो रही है। फिर वही टॉपिक, हजार बार कहा है इतनी हबर दबर में शादी नहीं करूंगी मैं। शादी एक बार होती है मामा, बार बार थोड़ी होती। और वैसे भी जब मेरी शादी होगी तो फंक्शंस और ढोलकियां तो महीने पहले स्टार्ट होनी चाहिए, है ना? बस ये मसला है तो नो प्रॉब्लम, ढोलकी आज से शुरू होगी, महीने बाद शादी होगी, मुबारक हो सबको। ये रही ढोलकी, गाना गाए चलो। नौना बताओ। वाह यहाँ तो बड़ी रौनक लगी हुई है। कैसी हो मीनू? अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ओके।
बहुत जायरस है। मीनू एक बार फोन ही कर देती तुम, मैं कुछ अच्छा से बना लेती तुम दोनों के लिए। हम लोग खाना खा कर ही आ रहे हैं, बस आपके हाथ की चाय पीने का दिल चाह रहा था तो आ गई। चाय बना के लाती हूँ। आंटी आप चाय बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छी बनाती हूँ तो रोज क्यों नहीं आके पीते? आएंगे, जरूर आएंगे। रोज आया करो, बस तुम्हारा घर अपना घर है, मैं इंतजार करूंगी रोज, समझे? अभी लाई। मैं आती हूँ। फिर क्या कहा उन्होंने? तो फिर क्या, मैंने साफ साफ कह दिया, मैं कोई मीनू थोड़ी हूँ जो हर चीज़ पे राजी हो जाऊँ। भाई अब मुझे खुद बताओ तुम, तुमने अपनी शादी इंजॉय की थी? हाँ की तो है, सारे इवेंट्स तो हुए मेरी शादी में, और वैसे भी जल्दी में शादी का मजा ही कुछ और होता है। खाक इंजॉय किया वैसे। तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत प्यारा है। हाँ दिखाओ। वैसे तुम्हें नहीं लग रहा कि मेरे हाथ पे ज्यादा प्यारा लग रहा है? तुम बहुत बदनियत लड़की हो, मेरी हर चीज पे तुम्हारी नजर होती है। वापस करो मुझे। अच्छा निशा चलें? जी चल। निशा जरा जाके देखो बाबा आए कि नहीं, अच्छा है उनसे भी मुलाकात हो जाती है। मैं देखती हूँ। किसी को मत देना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आइंदा से नहीं होगा। आधा ख्याल रखो। चलो। सेना